हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। रोजी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ब्यूटी रेमेडी लेकर आए हैं। इसके लिए हमें यहाँ कॉफ़ी पाउडर चाहिए होगा। यहाँ हम 1.5 चम्मच कॉफ़ी पाउडर एक बाउल में ले रहे हैं। इसके बाद हमें इस कॉफ़ी पाउडर में ऐड करना होगा कोकोनट ऑयल। यहाँ हम 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर रहे हैं। कोकोनट ऑयल से हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ रहती है। इसके बाद हम यहाँ हनी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हनी ऐड कर देंगे इसमें। हनी का यूज़ करने से स्किन बहुत ही ग्लो करती है और जो हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है इससे भी स्किन ग्लो करेगी। अब हम यहाँ लेमन जूस लेंगे। यहाँ हमें 2 चम्मच लेमन जूस लेना होगा। इसमें हमने 2 चम्मच लेमन का जूस ऐड कर दिया है। अब हमें यहाँ लेना होगा 1/2 चम्मच बेसन। और लगभग 2 या 3 चुटकी हल्दी। हल्दी की मात्रा हमें कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है हल्दी। अब हम इसको एक स्मूथ मिक्सचर तैयार करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ एकदम बनके तैयार हो गया। इसका यूज हम अपने हैंड पे करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इसका यूज अपने फेस पे करें तो देखें आपके फेस पे दाने ना हो। अगर आपके फेस पे दाने हों तो प्लीज़ इसमें से लेमन जूस स्किप कर दीजिए। या आपकी स्किन पे कहीं फेस पे कहीं कट का निशान लगा हो या किसी चोट रोताजी हो तो उसमें नींबू जलन दे सकता है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने फेस पे ये अप्लाई करें तो नीचे से ऊपर की साइड उसको लगाएं और हल्के हाथों से इसकी मसाज करें। 10-12 मिनट इसको मसाज करें, फिर ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करें। फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे, इसका एक बार यूज करके आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है। यहाँ हमने अच्छे से मसाज की है। अपना हैंड वॉश करेंगे और आप फर्क खुद देखेंगे। ये देखिए, आप दोनों हैंड्स में डिफरेंस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल रोजी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।